फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ऑन एंड अंडर के बारे में पढ़ेंगे। ऑन मीन्स पर, एंड अंडर मीन्स नीचे। देखो, आपको यहाँ एक चेयर दिखाई दे रही है ना, तो ये बुक कहाँ है? इसके ऊपर एक बुक रखी हुई है, तो ये क्या है? दिस बुक इज ऑन द चेयर। यह किताब कुर्सी पर है। एंड दिस बुक इज अंडर द चेयर, और यह किताब कुर्सी के नीचे है। देखो, दिखाई दे रही है ना आपको, कुर्सी के नीचे है ना। उसके बाद देखिए, ये क्या है? ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है किटन। किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा। दिस किटन इज ऑन द बेड, यह बिल्ली का बच्चा बेड पर है। एंड दिस किटन इज अंडर द बेड, और यह किटन बिल्ली का बच्चा बेड के नीचे है। देखो, दिखाई दे रहे हैं ना आपको। उसके बाद देखिए, दिस नैपकिन इज ऑन द प्लेट, ये जो नैपकिन है ये प्लेट के ऊपर है, प्लेट पर है ना। और ये देखिए, दिस नैपकिन इज अंडर द प्लेट, और ये नैपकिन प्लेट के नीचे है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखो, लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखो। टिक द फ्लावर्स दैट आर अंडर द गिवन ऑब्जेक्ट्स इन ईच सेट, जो हमारे इसमें सेट्स दिए हुए हैं उनमें हमें क्या चेक करना है? उनमें हमें चेक करना है कि जो फ्लावर है वो उनके अंडर है। अगर अंडर है तो हमें उसको टिक मार्क करना है। तो सबसे पहले देखो, ये क्या है? ये है बेड, और फ्लावर उसके ऊपर है, मींस ऑन है, तो हम इसको टिक मार्क नहीं करेंगे। अब देखो, ये क्या है? ये है टेबल, और फ्लावर कहाँ है? इसके नीचे है, तो हम इसको क्या कर देंगे? टिक मार्क कर देंगे। अभी देखो, कार दिखाई दे रही है ना, कार के ऊपर है ना, कार पर है ना ये, तो ये क्या हुआ? ऑन हुआ, तो हम इसको टिक मार्क नहीं करेंगे। अभी देखो, यहाँ चेयर दिखाई दे रही है, और फ्लावर कहाँ है? चेयर के नीचे है, मींस अंडर है, तो हम इसको टिक मार्क कर देंगे, है ना। उसके बाद देखो क्या करना है, लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखना है। सर्कल द फ्लावर्स दैट आर ऑन द गिवन, और अब हमें यहाँ चेक करना है कि ऑन कौन सा है फ्लावर। तो देखो, सबसे पहले ये क्या है? ये है टेबल, और ये फ्लावर उसके ऑन है, उसके ऊपर है ना, तो उसको टिक मार्क कर देंगे ना। अब देखो, ये है, इसके नीचे फ्लावर है, नीचे है मींस अंडर है, तो उसको टिक मार्क नहीं करेंगे। अभी ये क्या है? ये है कार, देखो फ्लावर इसके नीचे दिखाई दे रहा है ना, तो इसको टिक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये तो अंडर हुआ, और हमें तो ऑन का करना है। अब ये देखिए, प्लेट है, प्लेट के ऊपर है ना, प्लेट पर है ना ये फ्लावर, तो इसको हम टिक कर देंगे, क्योंकि हमें तो ऑन का चेक करना है ना। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखो, एंड राइट द वर्ड्स ऑन और अंडर इन द ब्लैंक स्पेसेस। यहाँ आपको जो ब्लैंक स्पेसेस दे रखे हैं, उसमें हमें ऑन एंड अंडर को फिल करना है। कैसे? देखो, सबसे पहले ये पप कहाँ है? ये नीचे है ना। द पप इज अंडर द बेंच, अंडर मीन्स नीचे ना। अभी देखो, ये क्या है? ये है लेडी बर्ड, द लेडी बर्ड इज डैश द लीफ। देखो कहाँ है? ये लीफ के ऊपर है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? द लेडी बर्ड इज ऑन द लीफ, पत्ती पर है ना वो, तो उनको उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे द लेडी बर्ड इज ऑन द लीफ। अभी देखो, ये क्या है? कैट है, कैट कहाँ है? कैट मैट के ऊपर है, मैट पर है ना, तो द कैट इज ऑन द मैट, द कैट इज ऑन द मैट। अभी देखो, ये कहाँ है? ये बुक कहाँ है? ये टेबल के नीचे है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नीचे के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हम करते हैं अंडर, द बुक इज अंडर द टेबल, है ना। अभी देखो क्या है, ये बर्ड है, बर्ड कहाँ है? देखो, ये आपको छत दिखाई दे रही है ना, रूफ दिखाई दे रही है। अभी देखो, ये छत पे है ना, छत पर है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? द बर्ड इज ऑन द रूफ, पर के लिए हम क्या करते हैं? यूज ऑन करते हैं। अभी देखो, ये क्या है? ये है कार, कार कहाँ है? कार देखो ये रही ना। अभी देखो, हमें क्या देखना है? बॉल कहाँ है? बॉल इसके नीचे है, द बॉल इज अंडर द कार, अंडर है ना, नीचे है ना। तो आप सभी को अच्छे से अपनी बुक में इसे करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और मैम को दिखाना है। थैंक यू।